नमस्कार, जय श्री कृष्ण आप सभी को। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि एक छोटा सा प्रयास रंग लाया मनीषा प्रजापत, जो अभी इंटरनेशनल प्लेयर है। सुबह से, आज सुबह से करीब उसके पास बधाइयों का, आशीर्वाद का तांता लगा हुआ है। लगातार उसको निमंत्रण भी आ रहे हैं उसको मान सम्मान प्रोत्साहन देने के लिए। अच्छा लगा, समाज के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बाकी सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं सुधा प्रजापति, जोधपुर से। मेरा मकसद किसी को ठेस पहुँचाने का नहीं था। अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहती हूँ। मुझे पता है कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो लोगों से जो हौसला मिलता है, जो प्रोत्साहन मिलता है, जो सम्मान मिलता है, उसकी कितनी मन से कितनी खुशी होती है। मैं बहुत छोटी थी, करीब 92 की बात होगी, और मेरी मम्मी को करंट आ गया था, चिपक गए थे वो करंट में। तो 92 में मेरी एज क्या होगी, मैं बहुत छोटी थी। तो मुझे सिर्फ एक चीख सुनाई दी मम्मी की, और जब मैंने मम्मी की तरफ देखा तो मम्मी का हाथ मेरी तरफ ऐसे था कि तुम मुझसे दूर रहो, और मुझे समझने में टाइम नहीं लगा कि मम्मी को करंट आ गया है। तो उस समय मेरे जो दिमाग में आया कि मैंने स्टूल पे चढ़ गया और मैंने स्विच बंद कर दिया, मम्मी करंट से बच गए। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, ट्रीटमेंट चला, फिर वो सही हो गए। पर उसके बाद मम्मी बच गए, उसके बाद में मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी बात थी कि मेरी माँ बच गई। पर उसके बाद में मुझे लगातार मान सम्मान, बधाइयाँ, प्रोत्साहन। उस समय सोशल मीडिया था नहीं, वाई मीडिया थे नहीं, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे। अखबारों में और मुझे कलेक्टर से सम्मान मिला, समाज की तरफ से, बीकानेर समाज की तरफ से मुझे बार बार सम्मानित किया गया। जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, सेकेंडरी स्कूल में, वहाँ मुझे सम्मानित किया गया। मुझे मेरे टीचर से, मेरे फ्रेंड से, मेरे रिश्तेदारों से, सभी से बहुत ज़्यादा सम्मान मिला, शाबाशी मिली। इतने छोटे बच्चों को मिलेगी तो वैसे भी खुशी तो होती है कि मैंने कुछ अच्छा किया। मुझे लगा कि मैंने अच्छा, कुछ अच्छा भी किया है। मम्मी की जान तो बची पर कुछ अच्छा किया है, इसीलिए मुझे ये सब मिल रहा है। और उस समय और कुछ साधन था नहीं। अभी जैसे हम हर किसी पोस्ट की या किसी भी मोमेंट की फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, पर उस समय की सिर्फ एक फ़ोटो मेरे पास है। ये 1994 में बलिराम जी भगत उस समय राज्यपाल थे, और मुझे ये सम्मान मिला था जयपुर में। और जयपुर में भी हमें छोटे छोटे बच्चे ही थे, पूरे आदर सत्कार के साथ हमें सम्मानित किया गया था। और मेरे आंसू आ जाते थे आंखों में जब जब मुझे सम्मान मिलता था, जब जब मेरी प्रशंसा होती थी। ब्रेव गर्ल और ब्रेवरी अवार्ड ये मुझे मिले थे, और ब्रेव गर्ल के नाम से जानते थे। और स्कूल में मुझे उस समय नाम से नहीं, नाम कॉमन हो जाते, मुझे सरनेम से जानते थे सारे टीचर, सारे बच्चे। मेरे स्कूल के उस समय बचपन के कई फ्रेंड भी मेरे साथ फेसबुक पे ऐड हैं। थैंक यू मेरे सभी फ्रेंड्स को आज तक मुझसे जुड़े रहने के लिए। और मुझे उस समय जो प्यार तुम लोगों से मिला, वही कारण है कि आज तक मैं तुम लोगों से जुड़ी हूँ। तो मुझे इससे हौसला मिला। उस समय मुझ में इतनी समझ नहीं थी, पर मुझे इस सम्मान से इतना हौसला मिला कि कुछ करने का जज्बा मन में हमेशा रहता है, था भी और रहेगा भी। और वैसे भी मैं प्राउड फील करती हूँ अपने आप में। मैं फौजी की बेटी हूँ, हम मेरे पापा आर्मी में थे, और देश के लिए तो उन्होंने अपनी सेवा दी है। पिछले 27-28 साल से वो सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली है। और माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है, आप सभी का हमेशा रहता ही है। आपका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद हमेशा बना रहे मुझ पर और आगे बढ़ने वाली हर लड़की पर, हर औरत पर। तो मन से खुशी होती है। कल मेरे वीडियो से समाज के भी कई बंधुओं ने फ़ोन किए मुझे, और
मनीषा को सच में उसका रिजल्ट मिला, अच्छा लगा। खास तौर से बॉम्बे से है गोविंद भैया, बहुत बहुत थैंक यू, आप कल रात से मेहनत कर रहे हो और शिकायत किसी से नहीं है मुझे, बस जो आगे बढ़ रहा है, जो नाम कर रहा है समाज का, देश का, अपने परिवार का, उसको हौसला ज़रूर दीजिए। हम अगर किसी कंधे पे हाथ भी रख देते हैं तो उसको लगता है कि पूरा सपोर्ट है मेरे साथ, पूरा साथ है मेरे साथ। तो अगर पूरा समाज हौसला दे दे, उस लड़की को सहायता दे दे, तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मनीषा की तरफ से भी आप सभी को थैंक यू, वो अभी बहुत बिजी चल रही है, अभी उसको जयपुर सम्मानित होने जाना है आज। मनीषा की पिटअप, यूं ही आगे बढ़ते रहो, नाम रोशन करते रहो, अपने समाज का, परिवार का, औरतों का, लड़कियों का, सभी का। फेसबुक मित्रों का खास तौर से धन्यवाद, समाज की लड़की तो थी पर आप लोगों ने भी लगातार जो प्रोत्साहन दिया है उसे, और मुझे जो स्नेह दिया है, जो आशीर्वाद मिलते हैं, उसके लिए धन्यवाद। कानाराम जी जालौर से आप पधारने वाले हो जोधपुर मनीषा को सम्मानित करने, मैं आपके साथ ही रहूंगी, आपका मोस्ट वेलकम है जोधपुर में। और अच्छा लग रहा है आप लोगों से वापस, लगभग 2 साल बाद में मैं आपसे फेसबुक पे वापस बात कर रही हूँ, अच्छा लगा। और आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो क्षमा चाहती हूँ, मैं अभी आपकी बहन बेटी हूँ। और फिर एक बार कहूँगी सभी से कि हम किसी को कहने का मौका ना दें, किसी को कहने की नौबत नहीं आनी चाहिए, हम समझदार हैं, हम शिक्षित हैं, शिक्षित समाज से हैं, तो जो हमारा फर्ज कर्तव्य परिवार के प्रति है, वो समाज के प्रति और समाज के बच्चों के प्रति भी थोड़ा सा जरूर करें। धन्यवाद, शुभ संध्या, अभी रात्रि में टाइम है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और कोरोना फिर एक नया नाम लेकर वापस आ गया है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खास तौर से घर के बुजुर्गों का और छोटे बच्चों का। इतना ही कहना चाहूँगी, एक बार फिर से थैंक यू आप सभी का, सुधा प्रजापति की तरफ से धन्यवाद।